फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम सभी ने डिस्कशन स्टार्ट किया था माइटोसिस को लेकर के, मियोसिस को, ठीक है। तो मियोसिस डिवीजन में हम लोगों ने लेप्टोटीन तक डिस्कस कर लिया था। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मियोसिस डिवीजन, ठीक है। इस मियोसिस डिवीजन में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था लेप्टोटीन तक, ठीक है। लेप्टोटीन स्टेज तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो लेप्टोटीन तक हम लोगों ने देखा कि लेप्टोटीन में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो वहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो डिस्कशन में हम लोगों ने पिछले वीडियो में ले चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे उसी को प्रोसीड करते हुए जाइगोटीन को, ठीक है। जाइगोटीन स्टेज ये किसका सब स्टेज है? ये प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यानी मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट है, ठीक है, उसी प्रोफेज फर्स्ट का हम लोगों ने लेप्टोटीन डिस्कस कर लिया। अब इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जाइगोटीन को, ठीक है। तो जाइगोटीन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चेंजेज होते हैं सेल के अंदर या उनके क्रोमोसोम के अंदर, उनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, उनके जो भी न्यूक्लियर कंटेंट है उन सब में क्या चेंजेस होते हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर पहली पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो इसका जो न्यूक्लियोलाई है यानी न्यूक्लियोलस है वो टेंड टू डिसअपियरिंग, ठीक है, डिसअपियर, वो धीरे धीरे करके जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर स्टार्ट हो जाता है। यानी यहाँ से ये न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर होने लगता है, ठीक है। दूसरी पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे, जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं अब एक दूसरे के पास पहुंच चुके होते हैं और उनकी जो उन होमोलोगस क्रोमोसोम की है वो पेयरिंग में आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, पेयर टू ईच अदर, ठीक है, पेयर टू फॉर्म एक बाईवैलेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। पहले हम लोगों ने यदि बात करें लेप्टोटीन में तो वहाँ पर डिस्कशन में ये लिया था कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है एक पेरेंटल साइड का, दूसरा क्या होते हैं जो मैटरनल साइड का, ये पैटर्नल साइड और मैटरनल साइड दोनों क्या करते हैं एक दूसरे के पास आते हैं और यहाँ पर पहुँचते जाइगोटीन में उनकी क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है और वो पेयर करके क्या बना लेते हैं, वो पेयरिंग करने के बाद एक बाईवैलेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बाईवैलेंट स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो वो इस तरह से कुछ दिखाई देने लगते हैं हम लोगों को। ये अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, इस तरह से हम देखेंगे ये इस तरह से एक बाईवैलेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है। इस तरह से अगर सेल है तो ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करते हैं, पेयरिंग में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन हमें कहाँ देखने को मिलता है, जाइगोटीन सब स्टेज में देखने को मिलता है, ठीक है। बाईवैलेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लिए उसके बाद, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जो बाईवैलेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ उसको प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस का फॉर्मेशन भी कहाँ पर होता है, जाइगोटीन सब स्टेज में होता है। यानी क्रोमोसोम की पेयरिंग कहाँ पर होती है, जाइगोटीन में होती है। बाईवैलेंट स्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिलता है, ये भी हमें कहाँ मिलेगा, जाइगोटीन में। और ये बाईवैलेंट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग सिनेप्सिस कहते हैं या सिंडेसिस कहते हैं या फिर इसी को जाइगोसोमा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे इसी का हम पिक्चर लगा के रखे हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहीं पर जाइगोटीन में ही ये होमोलोगस जो क्रोमोसोम हैं इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ इस तरह से साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। कहाँ पर, दो होमोलोगस क्रोमोसोम, ये इनकी पेयरिंग है और इसे हम कह सकते हैं ये कैसा स्ट्रक्चर है, बाईवैलेंट स्ट्रक्चर है और इसी में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन
हो रहा है, ठीक है। ये इसका सेंट्रोसोम है और इसके सेंट्रोल के साथ, ठीक है। अब ये जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ये बना किसका होता है, अगर इसकी बात करेंगे तो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। ये बना किसका होता है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का, न्यूक्लियो प्रोटीन, राइबो, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। अब ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इन दोनों के बीच में यहाँ पर फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आगे स्टेज में बात करेंगे हम लोग, अगली स्टेज। अच्छा चलिए, पूरा एक डायग्राम बना रखा है हम लोग ने, सभी स्टेजेज का एक साथ देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर देखिए सेंट्रोमियर है इसका, जहाँ से ये दो आर्म जो इसके होते हैं ये जुड़े होते हैं, ठीक है। अभी ये क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो लेप्टोटीन स्टेज में है। ये सेल कहाँ पर है, लेप्टोटीन में है। लेप्टोटीन में आप देख पा रहे हैं कि इसके पास ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके अलावा अभी आप देख पा रहे हैं कि ये थोड़ी सी क्रोमेटिन से थोड़ा सा, क्रोमेटिन नेटवर्क से थोड़ा सा ये भी शॉर्टन हुआ है, थिक हो गया है। और ये जो क्रोमोसोम है आप देख पा रहे हैं एक दूसरे, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं। दूसरा, जैसे ही ये कहाँ पर पहुँचा, जाइगोटीन सब स्टेज में, ठीक है। जाइगोटीन सब स्टेज में पहुँचने के बाद इसमें क्या हो गई, पेयरिंग हो गया और यहाँ पर बाईबैलेंट का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर बाईबैलेंट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, बाईबैलेंट का फॉर्मेशन हुआ। इसके अलावा यहीं पर ही क्या होता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन ये देख पा रहे हैं कि इनके बीच में क्या है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन यहाँ पर स्टार्ट होता है और पैचिटिन तक आते आते ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर अब ये जो क्रोमोसोम अभी बाईबैलेंट दिख रहे थे, अब ये टेट्राड के कंडीशन में दिखाई देने लगते हैं। अब ये किस तरह से, टेट्राड के कंडीशन में कुछ इस तरह से दिखाई देने लगते हैं, इस तरह से, ठीक है। अभी एक हुआ ये इधर से भी, ये इसी तरह से, ये इस तरह से कुछ दिखाई देने लगते हैं। ये इसका सेंट्रोमियर है, एक ही सेंट्रोमियर से ये इसके पास चार क्रोमेटिड हो जाते हैं। इसके पास क्या हो जाते हैं, चार क्रोमेटिड होते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्राड कंडीशन कहते हैं। तो टेट्राड कंडीशन कहाँ पर बनता है, कहाँ देखने को मिलता है, हमें पैकेटिन सब स्टेज में देखने को मिलता है, ठीक है। और क्या क्या चेंजेस होते हैं इसमें, पैकेटिन में, चलिए जाइगोटिन, चलिए हो गया जाइगोटिन देख लिया हम लोग, पैचेटिन देख लेते हैं, पैकेटिन में आप लोगों ने देखा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, पैकेटिन में हम लोगों ने देखा कि ये सारी चेंजेज यहाँ पर होती हैं। उसके बाद जैसे ही हम लोग आते हैं डिप्लोटीन स्टेज में, तो डिप्लोटीन स्टेज में जैसा कि यहाँ डायग्राम में पहले ही, ये डिप्लोटीन स्टेज में जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इसका जो सेंट्रियोल है या सेंट्रोसोम है वो डिवाइड होता है। यहाँ पर सेंट्रोसोम जो था वो अभी डिवाइड होता है और ये डिवाइड होने के बाद ये माइग्रेट भी करता है, ये दोनों अपोजिट पोल पर माइग्रेट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ये पेयरिंग हुई थी साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, अब धीरे धीरे करके यहाँ पर ये डिजॉल्व होना शुरू कर देता है। ये जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ था, तो यहाँ जैसे ही ये डिप्लोटीन स्टेज में आया तो इसका जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिजॉल्व होना स्टार्ट हो गया। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बिगिंस टू स्टार्ट टू डिजॉल्व, ठीक है। तो वो डिजॉल्व होना स्टार्ट हो गया। और ये एक्सेप्ट कहाँ पर डिजॉल्व नहीं होता है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन की बात करेंगे, एक्सेप्ट जहाँ पर ये क्याज्मा बना है, इस क्याज्मा वाले स्टेज पर ही केवल ये क्याज्मा का फॉर्मेशन हुआ। अब क्या हुआ, इनके जो आर्म हैं, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम की ये आर्म है, क्या हो गए, ये इस तरह से नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड हैं ये एक दूसरे के साथ इसको क्रॉस करते चले जाते हैं
और इनके बीच में ये एक्स शेप या इस तरह का एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर जो बनता है इसी को हम क्या कहते हैं, क्याज्मा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर डिप्लोटीन में आने के बाद क्या फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर क्याज्मा का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम पहुँचते जाते हैं डायकाइनेसिस में, तो डायकाइनेसिस में अब ये क्याज्मा जो है अपने टर्मिनल एंड पर पहुँच चुका होता है, यानी यहाँ पर क्या होता है, क्याज्मा का टर्मिनेशन, क्याज्मा टर्मिनेशन ऑफ क्याज्मा, तो यहाँ पर क्या होगा, टर्मिनेशन ऑफ, यहाँ मैं लिख दूँ, टर्मिनेशन ऑफ क्याज्मा, या क्याज्मा या इसी को क्याज्मेटा कहते हैं। ठीक है, टर्मिनेशन भी हो गया, और इसके अलावा अब ये जो दो सेंट्रो, यहाँ पर जो सेंट्रियोल हैं, सेंट्रियोल या इसी को डाइसोम कहते हैं, या डिप्लोसोम, सेंट्रियोल या डिप्लोसोम, अब दो हो गए तो इसे हम क्या कहेंगे, डिप्लोसोम। ठीक है, ये डिप्लोसोम अब ये माइग्रेट करते हैं, जैसे डाइकाइनेसिस तक पहुँचते पहुँचते ये माइग्रेट करके अपोजिट पोल तक पहुँच चुके होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर और एस्ट्रल फाइबर का भी फॉर्मेशन करते हैं, स्पिंडल फाइबर और एस्ट्रल फाइबर, स्पिंडल फाइबर का भी फॉर्मेशन करने लगते हैं। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पर टर्मिनेशन हुआ किसका, क्याज्मा का, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया, इसके अलावा एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन हो गया, जो सेंट्रियोल थे या हम कह सकते हैं डिप्लोसोम, वो अपोजिट पोल पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर जैसे ही हम पहुँचते हैं कहाँ पर, मेटाफेज फर्स्ट में, तो जो ये क्रोमोसोम अभी इधर उधर रैंडमली थे न्यूक्लियस के अंदर, अब वो कहाँ पर आ जाते हैं, इसके एक्वेटर पर आ जाते हैं या मेटाफेजिक प्लेट पर आकर के अलाइन हो जाते हैं या अरेंज हो जाते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट पर आकर के अरेंज हो जाते हैं ये। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसको। चलिए पैकेटिन में देख लेते हैं क्या है, जाइगोटिन देख लिया हम लोगों ने, डिप्लोटिन देख लिया, चलिए जाइगोटिन हो गया, अब आते हैं पैकेटिन में। देखिए पैकेटिन में क्या होता है, अब यहाँ पर भी एक पॉइंट और आप लोग नोटेट करेंगे कि ये जो पैकेटिन है, अब ये क्या है, इस प्रोफेज का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, ये क्या है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है कौन सा, पैकेटिन। कई ऐसे सेल्स होते हैं कि कई दिनों या कई जो है कई महीनों तक यहीं पर पड़े रहते हैं, कई दिनों तक या कई महीनों तक पड़े रहते हैं। जैसा आप लोग देखे होंगे कि जो ह्यूमन फीमेल का ऊसाइट है, सेकेंडरी ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट, ऊसाइट, ये कई दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहता है इस पैकेटिन स्टेज में। ठीक है, इस पैकेटिन में पड़ा रहता है। तो यहाँ पर यही चीज है कि लॉन्गेस्ट फेज होता है किसका, प्रोफेज फर्स्ट का, और सेल कैन रिमेन इन दिस स्टेज फॉर इवन मैनी डेज, कई दिनों तक यहाँ पर पड़े रहते हैं। जो बायवैलेंट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ था कहाँ पर, जाइगोटिन स्टेज में, अब वो धीरे धीरे करके वो शॉर्टन होने लगता है, शॉर्टन अप एंड बिकम थिक, वो छोटा होता है, इसके अलावा थिक मोटा भी हो जाता है, एंड फॉर्म फोर क्रोमेटिड। अब यहाँ पर आते आते जैसा हम लोगों ने पिछले उसमें देखा कि यहाँ तक आते आते ये चार अलग अलग, चार क्रोमेटिड का फॉर्मेशन यहाँ पर कर लेता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, चार क्रोमेटिड या फोर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन ये क्रोमेटिड अभी भी अटैच रहते हैं किससे, अटैच टू द सेम सेंट्रोमियर, सॉरी सेम सेंट्रियोल नहीं होगा, सेंट्रोमियर होगा। ठीक है, ये सेम सेंट्रोमियर या सेंट्रियोल के साथ ये अभी भी सेंट्रोमियर होगा,
यस सेंट्रोमियर, पूरा नहीं लिखा है, सेंट्रो, ठीक है, सेम सेंट्रोमियर के साथ अभी दिखा अटैच रहते हैं, तो इसलिए ये कैसा दिखाई देते हैं, एक टेट्राड के स्टेज में दिखाई देते हैं, जैसा हम लोगों ने पिछले ही इसी यहाँ पर देखेंगे, ये डायग्राम हम लोगों ने यहाँ पर बना रखा है, ठीक है। ये पैकेट इन में आते आते यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पैकेट इन स्टेज में आए और यहाँ पर ये टेट्राड का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ, टेट्राड या हम लोगों ने इसको देखा, यहाँ आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये चार क्रोमेटिड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है और ये चारों ही क्रोमेटिड अभी आपस में किससे जुड़े रहते हैं, एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे आगे नेक्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं, द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आप होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट, तो वो क्या करते हैं, वो जो है सेगमेंट का एक्सचेंज करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। तो आपसे पूछा जाए कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होता है, तो क्रॉसिंग ओवर अगर हम लोग देखेंगे तो मियोसिस में कहाँ देखने को मिलता है, वो पैचेट इन स्टेज या पैकेट इन स्टेज में देखने को मिलता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, हमने बताया कि जैसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है और इस तरह से ये क्रोमेटिड है, ये यहाँ से जुड़ा है। अब इसी का होमोलोगस क्रोमोसोम अगर हम लोग यहाँ बनाएं, तो ये इसका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये इसका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, इस तरह से। अब इनके बीच में क्या हुआ, ये बना यहाँ पर क्याजमा का फॉर्मेशन हुआ और यही क्याजमा का फॉर्मेशन जो है इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ही क्या होता है, इसी से अब इस जब ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे तो इसका कुछ पार्ट इस क्रोमोसोम के साथ चला जाएगा और इसका कुछ पार्ट इस क्रोमोसोम के साथ चला जाएगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आर्म होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आर्म, या आर्म कह सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा पार्ट क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर देखने को मिलता है, ये पैचेट इन सब स्टेज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पर जो न्यूक्लियोलस है या न्यूक्लियोलाई है वो पूरी तरह से कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है। तो पैचेट इन स्टेज में हम लोगों ने क्या देखा कि ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, ठीक है, कई सेल्स कई दिनों तक यहाँ पर पड़े रहते हैं, जो बायवेलेंट स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाते हैं, छोटा होने लगता है, मोटा होने लगता है, इसके अलावा वह जो है छोटा मोटा होने के बाद वो एक चार क्रोमेटिड का फॉर्मेशन कर लेता है, सारे के सारे क्रोमेटिड चारों अभी कहाँ पर एक ही सेंट्रोमियर के साथ अटैच रहते हैं और वो दिखाई देने लगते हैं, किस तरह के स्ट्रक्चर, टेट्राड के स्ट्रक्चर में हम यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, वो एक दूसरे के सेगमेंट को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और यही एक्सचेंज करने की प्रोसेस कहलाती है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर एक अलग से भी डायग्राम हम लोगों ने इसके लिए बना रखा है। तो देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पर ये अभी भी यहाँ पर साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स है, ये इसकी टेट्राड कंडीशन देखने को मिल रही है, ये देख पा रहे हैं आप, ये टेट्राड कंडीशन में है, ठीक है, यहाँ पर भी अभी भी साइटोनेमल कॉम्प्लेक्स है, इसके अलावा सेंट्रियोल हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं, डिप्लोटीन की, ठीक है, छोटा सा टॉपिक और बचा है, डिप्लोटीन में देख लेते हैं। तो डिप्लोटीन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, जो साइनोप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स है वो डिजॉल्व हो चुका होता है। जो साइनोप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स अभी हम लोगों ने देखा था, इधर आप आए इस पेज पर देखिए, ये जो इनके बीच में क्या है, ये सारे साइनोप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स ये आपको दिख रहे हैं, मैं इससे बना दूँ, ठीक है, ये साइनोप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स जो हम लोगों ने इस तरह से बना रखा है, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है, ये धीरे धीरे करके क्या होता है, इन दोनों को पेयरिंग करने के लिए ये साइनोप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बने होते हैं। तो जब इनकी पेयरिंग धीरे धीरे हो गई, इनका आर्म एक्सचेंज हुआ या इसके अलावा क्याजमा का फॉर्मेशन हुआ, ये सारी चीज़ें हो गई, फिर धीरे धीरे करके ये जो यहाँ पर साइनोप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स था, ये धीरे धीरे करके डिजॉल्व होना स्टार्ट हो गया, केवल और केवल कहाँ पर, जहाँ पर ये इनका अटैचमेंट पॉइंट था या जहाँ पर हम कह सकते हैं क्याजमा का फॉर्मेशन हुआ था,
वहीं पर ये बचे रहते हैं। तो इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व एक्सेप्ट, कहाँ पर एक्सेप्शन होती है, एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है वहाँ पर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व नहीं होता है, बाकी डिप्लोटीन में आते आते और सभी जगहों का जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, द रीजन ऑफ अटैचमेंट ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम, दो होमोलोगस क्रोमोसोम का वह रीजन जहाँ से दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में अटैच रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसी को क्याज्मा कहा जाता है या उसी को क्याज्मेटा कहा जाता है, यानी वह क्षेत्र या वह रीजन जहाँ पर दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं उसे क्याज्मा कहा जाता है। और ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये एक्स शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है डिसअपियरिंग, यानी यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिप्लोटीन तक आते आते डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जो इसका सेंट्रियोल है वो डिवाइड होता है, डिवाइड होकर के दो सेंट्रियोल या दो सेंट्रोसोम डिवाइड होता है और दो सेंट्रियोल का फॉर्मेशन करता है। अब इसे हम क्या कहेंगे, डिप्लोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी इसे डिप्लोसोम कहा जाता है। चलिए डायकाइनेसिस की बात कर लेते हैं हम लोग, डायकाइनेसिस में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब पूरी तरह से डिसअपियर हो चुका होता है, जो सेंट्रियोल अभी डिवाइड हुआ था वो माइग्रेट कर चुके होते हैं, यानी ये माइग्रेट करते हैं कहाँ पर, अपोजिट पोल पर, टूअर्ड द अपोजिट पोल्स एंड फॉर्म, और फॉर्मेशन किसका करते हैं, एंड फॉर्म एस्ट्रल रेज, और एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन करते हैं, स्पिंडल फाइबर, एस्ट्रल रेज, स्पिंडल फाइबर, इन सभी का फॉर्मेशन होता है। कहाँ से, यानी सेंट्रियोल जो डिवाइड हुए हैं वो अपोजिट पोल पर पहुँच जाते हैं, एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन करते हैं, एस्ट्रल रेज, इसके अलावा स्पिंडल फाइबर का भी फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं, और जो क्याज्मा है वो शिफ्ट हो जाता है एट द टर्मिनल एंड ऑफ द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के टर्मिनल एंड पर पहुंच चुका होता है, और इस टर्मिनेशन को ही, इस प्रोसेस को जिसके द्वारा यह टर्मिनल एंड पर पहुंचता है उस प्रोसेस को हम टर्मिनेशन कहते हैं। तो टर्मिनेशन हमें कहाँ देखने को मिलता है, डायकाइनेसिस में देखने को मिलता है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कहाँ पर स्टार्ट होता है, यानी डायकाइनेसिस पर होता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने, चलिए यहाँ पर भी एक डायग्राम लगा रखा है हमने, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल हो गया, यहाँ पर ये धीरे धीरे करके स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर छोटे छोटे भी रेज निकलते हैं जिसको हम लोग एस्ट्रल रेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब ये देखिए, ये यहाँ पर क्या हो गया, जो क्याज्मा था इसका टर्मिनेशन हो गया, यहाँ पर टर्मिनेशन ऑफ क्याज्मा, ठीक है, तो क्याज्मा का टर्मिनेशन हो गया। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने डायकाइनेसिस में तक देखा, अगली वीडियो में हम लोग इसके बचे हुए पार्ट को देखेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।